चीनी कम है, चीनी कम है, थोड़ी थोड़ी तुझ में है कम। तो अच्छी बात है ना, वैसे भी चीनी चाहिए ही नहीं हमें। चीनी मतलब शुगर, और वो भी ब्लड शुगर। ब्लड शुगर अगर हद से ज्यादा बढ़ जाए तो हम उस कंडीशन को डायबिटीज कहते हैं, और इस डायबिटीज का असर हमारे पूरे शरीर के साथ ही हमारे दांत और मसूड़ों पे भी होता है। ये असर क्या होता है, और अगर ये होता है तो डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, गए तो कौन से ट्रीटमेंट लेने चाहिए, कौन से नहीं लेने चाहिए, इन सारी जानकारियों को लेके आई है आपकी डेंटिस्ट दोस्त डॉक्टर वर्षा झड़े। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आप जानते हैं कि डायबिटीज ऐसी कंडीशन है जिसको कंट्रोल में रखे तो हमारा स्वास्थ्य बना रहेगा, और इसके लिए हमें करना चाहिए रेगुलर एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट, स्वच्छता, शारीरिक स्वच्छता, और अपने डॉक्टर के पास रेगुलर चेकअप। जैसे हम हमारे डायबिटोलॉजिस्ट के पास रेगुलर चेकअप के लिए जाते हैं, वैसे ही बहुत जरूरी है अपने डेंटिस्ट के पास रेगुलर चेकअप के लिए जाना, क्योंकि डायबिटीज का मुंह के अंदर के ऑर्गन्स पे होने वाले असर पे चेक रखना बहुत जरूरी है, खास करके तब जब आपको डायबिटीज के साथ ही हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट का प्रॉब्लम हो तो, क्योंकि दांतों और मसूड़ों का इन्फेक्शन ये आपके हार्ट के लिए सोर्स ऑफ इन्फेक्शन साबित हो सकता है। डायबिटीज में ब्लड शुगर लेवल ज्यादा होने की वजह से मुंह में बैक्टीरिया या जंतु अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इन्हीं की वजह से दांतों में सड़न होके इन्फेक्शन होना, मसूड़ों में इन्फेक्शन होके सूजन आना, खून निकलना, ऐसी चीजें होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर मसूड़ों में इन्फेक्शन बार बार होता है तो दांत लूज होकर गिर भी सकते हैं। डायबिटिक्स में फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। इसकी वजह से जबान पे व्हाइट या रेड कलर के पैचेस आ जाते हैं। जल्दी से ठीक ना होने वाले अल्सर्स या छाले बार बार होते हैं। मुंह की अंदरूनी त्वचा में जलन होती है। कभी कभी ड्राइनेस की वजह से मुंह से बदबू भी आ सकती है, और कभी कभी डायबिटिक्स को उनके टेस्ट बड पे असर होने की वजह से टेस्ट भी बहुत कम आती है। लेकिन ये सारी चीजें हर डायबिटिक्स में नहीं होती, ये उन्हीं में होती है जिनकी ब्लड शुगर लेवल्स बहुत ज्यादा बढ़ गई हो, या जो अपना ध्यान ठीक से नहीं रखते हो, जैसे कि बैलेंस डाइट नहीं लेते, एक्सरसाइज नहीं करते, और अपने दांतों और मसूड़ों को भी ठीक से साफ नहीं रखते। रेगुलर चेकअप के लिए या डेंटल ट्रीटमेंट के लिए अगर आप डेंटिस्ट के पास जा रहे हो तो किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? आपकी जो रेगुलर डायबिटीज या ब्लड प्रेशर की दवाई है वो आपको टाइम पे लेनी है, और रेगुलर टाइम पे खाना खाकर ही डेंटिस्ट के पास जाए। आपकी रेगुलर दवाई है जो आप ले रहे हैं वो साथ लेके जाए, और रिसेंट ब्लड रिपोर्ट हो तो वो भी साथ लेके जाए। जाते ही आप अपने डेंटिस्ट को अपने डायबिटीज के बारे में पूरी जानकारी दे, जैसे कि आपकी नॉर्मल शुगर लेवल्स कितनी रहती है, और अगर कभी आपको अचानक से शुगर कम होने पे चक्कर वगैरह कुछ आया हो तो ये भी डेंटिस्ट को बताना बहुत जरूरी है। और इसी के साथ ये भी जरूरी है कि जैसे आप डेंटिस्ट को डायबिटीज के बारे में बताते हो तो डायबिटोलॉजिस्ट को भी आपके डेंटल विजिट के बारे में पता होना जरूरी है, क्योंकि वो डेंटल ट्रीटमेंट के अनुसार आपके ब्लड शुगर लेवल्स एडजस्ट करने के लिए आपकी दवाइयाँ भी एडजस्ट कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है कि हाई ब्लड शुगर लेवल्स हो तो भी कुछ इमरजेंसी ट्रीटमेंट्स करने पड़ते हैं, जैसे कि दांत में बहुत ज्यादा दर्द है और वो दांत निकालना हो, मसूड़ों में से बहुत ज्यादा खून निकल रहा है तो मसूड़ों का ऑपरेशन करना हो, तो ऐसे में डायबिटोलॉजिस्ट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि शुगर लेवल्स कंट्रोल में रहे और हम एंटीबायोटिक कवर के नीचे ये सारे सर्जिकल ट्रीटमेंट्स आपके कर सके। अब देखते हैं कौन से डेंटल ट्रीटमेंट्स ऐसे हैं जिनमें शुगर लेवल्स कितने भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो है, अगर दांत में कैविटी है तो उसके लिए किए जाने वाले फिलिंग्स या रूट कैनल ट्रीटमेंट्स, दांतों पे लगाने वाले कैप्स या ब्रिजेस या नकली दांत जिसमें लगाते हैं, ऐसे ट्रीटमेंट्स भी कर सकते हैं आप, और डेंचर्स भी आप बना सकते हैं। लेकिन कुछ ट्रीटमेंट्स ऐसी होती है जिसमें ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल होने तक रुकना पड़ता है, वो है स्केलिंग मतलब दांतों का क्लीनिंग, मसूड़ों का ऑपरेशन जो इमरजेंसी नहीं है, दांत अगर कोई निकालना है, अकल दांत निकालने का छोटा सा ऑपरेशन है जिसको हम टाल सकते हैं, ये सारी चीजें बाद में करें तो भी चलता है। तो देखा ना आपने कि अगर आपको डायबिटीज है तो भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप डेंटल ट्रीटमेंट कोई भी कर सकते हैं, करा सकते हैं। लेकिन अगर डेंटल प्रॉब्लम्स ना हो तो आपको आपके मुंह और मसूड़ों और दांतों को ठीक से साफ रखना बहुत जरूरी है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकॉन दबाएं।